दोस्तों, जैसे एमएस वर्ड 2013 है, व्हाट इज़ एमएस वर्ड 2013? इसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 एमएस ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये सॉफ्टवेयर इसमें सबसे अधिक प्रयोग में लाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे संक्षिप्त में एमएस वर्ड भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग लिटिल लेटर राइटिंग, रिज्यूम, मेल, मर्ज, टेबल, चार्ट आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखेंगे एमएस वर्ड का डायग्राम। डायग्राम में क्विक एक्सेस टूल बार है, डॉक्यूमेंट्स टाइटल है, कंट्रोल बटन है, टाइटल बार है, रिबन है और डॉक्यूमेंट्स हैं। क्विक एक्सेस टूल बार इसमें इसके अंतर्गत अंडू, सेव, प्रिंट और भी चीज़ें जैसे ओपन वगैरह हम इसको ऐड कर सकते हैं इसके अंतर्गत। वैसे कैसे कस्टम डॉक्यूमेंट्स टाइटल में फाइल नेम आता है, अपना नाम हो या किसी का भी नाम टाइटल बार में रहता है। वैसे कंट्रोल बटन के अंतर्गत में मिनिमाइज का आता है, पेज कट का आता है और ऐसे टाइटल बार के अंतर्गत एमएस ऑफिस का स्विच आता है। रिबन में बहुत सारी चीज़ें आती है। रिबन के अंतर्गत जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आदि इत्यादि। डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत पूरा पेज आता है जिसमें सारे लेखन का कार्य होता है। स्टेटस बार जो सबसे नीचे रहता है, जो पेज कितने पेज पे हम काम कर रहे हैं या कितने पेज हम ओपन करके रखे हैं या कौन से पेज नंबर पे हम काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। टेक्स्ट एरिया जो वाइट जो बैकग्राउंड के अंतर्गत रूलर में आता है वो टेक्स्ट एरिया कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम शब्दों को लिखते हैं। अब इसके थोड़ा सा नीचे करके हम देखेंगे। इसी के साथ एमएस वर्ड 2013 में कई उन्नत सुविधाओं के परिचय के साथ साथ दस्तावेजों को ऑनलाइन बनाने और सहयोग करने की क्षमता भी आपको अपनी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर के साथ और अधिक करने की क्षमता देता है। शब्द लिखित वाक्य बनाना, पैराग्राफ बनाना, पृष्ठ तैयार करना, इस प्रकार की सभी प्रक्रिया के द्वारा अपनी बात को सुयोजित ढंग से प्रस्तुत करना वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। अपने हाथ में पेंसिल या पेन की सहायता से की गई प्रक्रिया मानवीय शब्द प्रक्रिया कहलाती है, परंतु जब यही कार्य कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है तब यह इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। आगे हम देखेंगे वर्ड एमएस वर्ड 2013 की विशेषताएं हैं। फ्यूचर ऑफ एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का नवीनतम संस्करण एमएस वर्ड 2013 आ गया है। इसमें कई विशेषताएं हैं जो पुराने वर्जन से परे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के एमएस वर्ड 2013 में एक नया इंटरनेट और कई उपयोगी अपडेट है जो गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा और पुस्तकालय को व्यवसायिक दिखाने वाली डॉक्यूमेंट्स बनाने, शेयर करने और अधिक आसानी से सहयोग करने में मदद करेंगे और अधिक कुशलता से काम करेंगे। नंबर वन है ए न्यू लुक फॉर वर्ड। जब आप वर्ड 2013 को खोलेंगे तब बदलाव आपके एक नए लैंडिंग पेज दिखाई देगा। बाएं फलक में आपको अपने रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ पहले देखे गए डॉक्यूमेंट्स को खोलने का विकल्प दिखाई देगा। दाएं फलक में आप विभिन्न
टेम्पलेट्स जैसे बैंक इनवाइस, ब्लॉग पोस्ट आदि चुन सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट की टेम्पलेट लाइब्रेरी के माध्यम से कुछ फीचर्स या प्रोपोजल भी खोज सकते हैं। नंबर दो, सेव एंड शेयर फाइल इन द क्लाउड। क्लाउड एक भंडारण की तरह है। जब भी आप ऑनलाइन करते हैं या आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन रह कर आप डॉक्यूमेंट्स को शेयर पॉइंट या ऑन वन डिवाइस या शेयर कर सकते हैं। वहां से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल की इस स्प्रेडशीट और अन्य फाइल, ऑफिस फाइल को एक्सेस और शेयर कर सकते हैं। आप एक ही समय पर एक ही फाइल में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। यूज मल्टीमीडिया। यदि आप वर्ड में न्यू लेटर्स, फ्लायर्स, ब्रोकर्स या अन्य मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इमेज के साथ काम करना अब पहले से कहीं अधिक आसान है। वर्ड 2013 के नए एलिमेंट गाइड, जब आप मीडिया के एक टुकड़े पर क्लिक करते हैं तो पॉप अप टूल्स आपके टेक्स्ट या मीडिया को आपके टेक्स्ट में तेजी से स्थानांतरित करना आसान बनाता है। आप डॉक्यूमेंट्स के चारों ओर एक इमेज ड्रा एरिया कर सकते हैं। अगर आपके संगठन में फेसबुक या क्लिक कर खाता है तो आप वर्ड को छोड़कर अपने एल्बम से फोटो को डॉक्यूमेंट से सम्मिलित कर सकते हैं। नंबर चार, रेड मोड। आप एमएस वर्ड 2013 में किसी भी फाइल को आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि आप एक डॉक्यूमेंट से पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन फिर अचानक एक और कार्य करने की आवश्यकता हो तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपकी जगह कोई सेव कर लेगा ताकि आप बाद में उसे वहीं से पढ़ सकते हैं जहां आपने छोड़ दिया था। भले आप किसी अन्य डिवाइस पर डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हो, जैसे आपको घर कंप्यूटर या विंडो टेबलेट, आपको सेव करने या वर्चुअल बुक फार्म डालने की आवश्यकता नहीं है। एमएस वर्ड 2013 आपके लिए सभी काम करता है। देखा जाए तो ये एक एडवांस फ्यूचर है जिसमें काम करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑब्जेक्ट जूम। नंबर फाइव, जब आप किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे होते हैं और यदि आप उस डॉक्यूमेंट को जूम करना चाहते हैं जो आप बड़ी ही आसानी से पेज को जूम कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी उंगली से स्क्रीन पर दो बार टैप करें। यदि टच स्क्रीन है तो या अपने माउस को जूम इन पर डबल क्लिक करें, और यदि आप डॉक्यूमेंट्स को जूम आउट करना चाहें तो जूम आउट ऑप्शन पर क्लिक करें। किसी भी इमेज को या शब्दों को जो ज़्यादा ही बारीक है उनको आप ऑब्जेक्ट जूम से बड़ा करके आसानी से देख सकते हैं। नंबर सिक्स, रिज्यूम एंड रीडिंग। इसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहां तक आपने पहले पढ़ा हुआ था, अर्थात आप जहां से अपने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना छोड़ा था वहां से आप पढ़ना जारी रख सकते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड यह याद रखता है कि आप कहां थे। ऑनलाइन वीडियो। नंबर सेवन, आप एमएस वर्ड 2013 में ऑनलाइन वीडियो भी देख सकते हैं। यदि आप कॉन्टैक्ट पर ध्यान केंद्रित कर सके तो। नंबर आठ, रिप्लाई ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड मार्क देम एंड डन। आप एमएस वर्ड 2013 में किसी भी टिप्पणी पर अपना उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन के साथ अब रिप्ले बटन को भी जोड़ा दिया है। जब कोई टिप्पणी संबोधित की जाती है तब आप इस ऑप्शन के द्वारा
बहस कर सकते हैं और टिप्पणियों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। नंबर 9, ऐड अप पॉलिसी एड स्टाइल। MS Word 2013 के साथ आप अधिक सुंदर और आकर्षक दस्तावेज बना सकते हैं और आप अधिक मीडिया प्रकारों के साथ काम कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन वीडियो इमेज आदि। इसमें आप PDF भी खोल सकते हैं। नंबर 10, स्टार्ट विद द टेम्पलेट। जब आप MS Word 2013 खोलते हैं तो आपको हाल ही में देखे गए दस्तावेजों की एक सूची के साथ शुरू किए करने में सहायता के लिए एक टेम्पलेट का विकल्प प्रदान किया जाता है, ताकि आप किसी भी समय छोड़े गए स्थान पर वापस आ सकते हैं। नंबर 11, ओपन द एडिट PDF फाइल। MS Word 2013 में आप आसानी से PDF फाइल को खोल सकते हैं और उसे सुधार भी सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसी के साथ आप PDF में किसी पैटर्न, पैराग्राफ, टेबल या लिस्ट में भी आसानी से सुधार कर सकते हैं। इंसर्ट ऑनलाइन वीडियो एंड पिक्चर्स। MS Word 2013 में आप सीधे अपने दस्तावेजों में ऑनलाइन वीडियो और इमेज जोड़ सकते हैं और अपनी इमेज को ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पर सेव भी कर सकते हैं। नंबर 12, लाइव लेआउट एंड एलिमेंट गाइड्स। यदि आप किसी शेप या आकार बदलते हैं तो लाइव लेआउट आपके टेक्स्ट के साथ चार्ट, फोटो और डायग्राम को आसान बना देता है। MS Office 2013 की हार्डवेयर आवश्यकताएं। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार विंडो 8 के लिए ये न्यूनतम सिस्टम आवश्यक है। नंबर 1 है प्रोसेसिंग विजार्ड GHZ ऑफ फास्टर। नंबर 5। के अनुसार आगे है MS Word 2013 के साथ काम करना। अब किस प्रकार से काम करना है और आगे क्या क्या चीज़ें आएगी आप यहाँ देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो पेशेवर गुणवत्ता वाले डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। MS Word आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करने और लिखने में सहायता करता है। MS Word की सहायता से आप लेटर, रिज्यूम आदि बना सकते हैं, जिसके लिए टेम्पलेट फीचर बहुत ही फायदेमंद है। MS Word 2013 में डॉक्यूमेंट्स बनाने में आपको पहले कदम यह चुनना है कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के द्वारा कार्य करना चाहते हैं या टेम्पलेट के द्वारा। इसमें दो चीज़ें बताई गई है, एक तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट से लो या फिर टेम्पलेट। टेम्पलेट कैसे होता है, टेम्पलेट कैसे चुनें, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। टेम्पलेट कैसे चुनें, हाउ टू चॉइस द टेम्पलेट। डायग्राम दिया है यहाँ पे, जिसमें बहुत प्रकार की पेज अपने को प्रदान किए गए हैं। अब अपनी आवश्यकता अनुसार हम कौन सा पेज लेते हैं जो हम उसमें अपना कार्य कर सकें। ब्लैंक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता टेम्पलेट का उपयोग करने, एक नया डॉक्यूमेंट बनाना अक्सर आसान होता है, क्योंकि MS Word में टेम्पलेट में हम कई प्रकार की थीम्स और स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बस कॉन्टैक्ट में छोड़कर
सॉरी कॉन्टैक्ट जोड़ना पड़ता है प्रत्येक बार जब भी आप वर्ड 2013 शुरू करें। ये एमएस वर्ड का फर्स्ट पेज है। कहते हैं जो आपको गैलरी में टेम्पलेट ऑप्शन को चुनना है, इसमें शामिल टेम्पलेट को देखने के लिए कैटेगरी पर क्लिक करें या ऑनलाइन मोर टेम्पलेट पर सर्च करें। वैसे तो एमएस वर्ड 2013 में पहले से ही कई सारी टेम्पलेट मौजूद रहती है, लेकिन फिर भी यदि आप उन टेम्पलेट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप मोर टेम्पलेट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप टेम्पलेट का उपयोग नहीं करना चाहते तो बस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। आगे हैं दस्तावेज खोलें, ऑप्शन ओपन ए डॉक्यूमेंट्स 2013 वर्ड 2013 ओपन ऑप्शन का प्रयोग एमएस वर्ड में पहले से बनाई गई फाइल को खोलने के लिए किया जाता है। आप किसी फाइल को ओपन करेंगे उससे आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। हर बार जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में आपके द्वारा हाल ही में उपयोग किए गए डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दिखाई देगी। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को खोज रहे हैं तो वह वहां नहीं है तो ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर सकते हैं। How to open documents? दस्तावेज कैसे खोलें? How to open documents? सबसे पहले आप MS Word 2013 ओपन करें। इसके बाद आप फाइल टैब पर क्लिक करें। यहाँ आपको कोई ऑप्शन दिखाई देंगे जिससे आप ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर फाइल के स्थान पर ब्राउज करें। ऐसा करते ही आपके सामने ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब आप किसी डॉक्यूमेंट को खोलना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और ओपन बटन पर क्लिक करें। हाउ टू सेव डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज कैसे सेव करें सहजे। सेव ऑप्शन पर प्रयोग चालू फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। सेव होने के बाद आप उस फाइल को कभी भी ओपन करके देख सकते हैं, उसे पढ़ भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए निम्न कार्य करें सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करें। इसके बाद सेव एज बटन पर क्लिक करें। उस स्थान को चुनें जहां आप अपने डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं। इसके बाद सेव पर क्लिक करें। नोट, एमएस वर्ड 2013 ऑटोमेटिकली फाइल को डॉक्स फॉर्मेट में सेव करता है। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को डॉक्स के अलावा किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज टाइप की लिस्ट पर क्लिक करें और फिर आप इच्छित फाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट करें। अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद जब आप उस पर काम करना जारी रखते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार में सेव पर क्लिक करें। दोस्तों, जैसे कि हमने आज एमएस वर्ड में अनेक प्रकार की जानकारियां ली जिसमें
एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन, परिचय, एमएस वर्ड की विशेषताएं और एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड में फाइल ओपन करना, सेव करना और सेव एज करना, एमएस वर्ड का परिचय, इन सभी बातों को हमने यहाँ पढ़ा है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब अगले वीडियो में इससे आगे हम और भी सारी चीज़ों को विस्तृत दर्शाएंगे और उसकी जानकारी देंगे आप लोगों को। धन्यवाद।